द पतंग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूजीसी के गाइडलाइन जारी होने के बाद सभी को अब सरकार के फैसले का ही इंतजार था कि सरकार की ओर से क्या फैसले लिए जाते, क्योंकि पहले से तय था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करना है, लेकिन थर्ड ईयर की परीक्षा होनी है। अब इसको लेकर जो शासन के निर्देश का इंतजार था, अब वो फैसला आ चुका है, जो कि खुद बस 12 मिनट पहले ही डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई, ट्वीट करके पूरी जानकारी बताई गई। आपको क्या कहा गया आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्वीट है, बस 12 मिनट पहले की पूरी ट्वीट आई, इसमें कहा गया कि स्नातक कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी। शासन ने विश्वविद्यालय के लिए गाइडलाइन जारी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी पूरी तरह से जो कि एक असमंजस की स्थिति थी कि हो सकता है कि थर्ड ईयर को भी प्रमोट कर दिया जाएगा, हो सकता है थर्ड ईयर की भी परीक्षाएं ना ली जाए, उन्हें भी बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए, लेकिन अब यहाँ पे पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब ग्रेजुएशन के हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा इन दोनों में ही, यानी जो ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, इनमें आपकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी। तो यहाँ पे शासन की ओर से फैसला आ चुका है, जो कि सभी को इंतजार था कि आपकी जो फैसले हैं, जो कि शासन की ओर से एक आध दो दिन में लेने के लिए भी कहा गया था, तो अब वो फैसले आ चुके हैं और थर्ड ईयर की परीक्षा होंगी यहाँ पे पूरी तरह से तय कर दिया गया। तो आगे और क्या जानकारियाँ आती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे कोई और भी जानकारियाँ आती हैं तो वो आप सभी लोगों को